और अब हम रुख करते हैं बिहार के बांका जिले का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं ललिता देवी जी। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर। घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुभे चले पानी सर, बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे चले सर। आ जब पक्का मकान होले तो कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर, बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से रहे छे। आ पहले बहुत दिक्कत होवे छले, आ सब एकदम शौचालय बना लिए सर, जैसे लड़का ने बाहर दे छलिए शर्म लगे छले सर, अब शर्म नहीं लगे छे, सब बच्चा बुतरू मिल के सब परिवार मिल के घरे शौचालय करे छे, आ सब गांव टोला वाला लगाए के सबके शौचालय हो गए छे सर। ललिता देवी जी बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, आ एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, आ एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा सतमा में। अच्छा, अभी अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे? हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं पढ़ने के लिए गए तो? हाँ सर करते हैं। सरकारी, हाँ हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई ले छे सर, अखने बहुत बढ़िया लागे छे, सुविधा हो गई छे। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर, गैस मिल गए, गैस चूल्हा मिल गए सर, पहले लकड़ी बैठा खाना बनाबे छलिए तो धुइया लागे छले आँखी में, आय अब बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी सब बना के सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल भेज दे। अच्छा, गांव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं। हो सकता है किसी को दो महीने देर से, किसी को चार महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को, गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको? हाँ। आप उनको क्या समझाती हो? हाँ सर। उनको विश्वास देती हो कि घर मिल जाएगा? बढ़िया समझाइए सर। हाँ, चलिए ललिता देवी जी प्रणाम आपको। मुझे अच्छा लगा आपने इतना संतोष व्यक्त किया जी। और बिहार के बाद अब हम रुक करते हैं।